प्रमोशन मिली थी यहाँ पे दैट ये मैं जॉब बोल रहा हूँ देना बोल सकता हूँ लेकिन चीज़ें काफ़ी हैं जिस तरह आप ये सलमान साहब भी कह रहे थे कि ये एक सीखने और सिखाने का केस है जहाँ पर हमें सीखना है और फिर सिखाना है तो सबसे जो अहम चीज़ है वो मुझे यहाँ पे आपकी सपोर्ट चाहिए। हो सकता है कि मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ कुछ थोड़ा बोल रहा हूँ तो नो मैटर कभी मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं अपनी प्रेजेंटेशन कैसे दे रहा हूँ लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे करेंगे सपोर्ट जोर से सपोर्ट है ना सपोर्ट तो फिर जोर से होती है। इमरान खान की सपोर्ट नहीं देखिए आपने हाँ जी सपोर्ट करेंगे आपसे कुछ सवाल जवाब बोले हो सकते अच्छा सवाल जवाब थोड़े सादा से हैं लेकिन तरीका काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सवाल जो आपने यस और नो में जवाब देना लेकिन आपने बोलना नहीं है कि कैसे देंगे यस नो नहीं गर्दन पे नहीं लानी फिर आप तो अच्छा रहें गर्दन पर लेकिन लानी नहीं है तो फिर कैसे देंगे नहीं इलेक्शन नहीं है हमने सेनेट में किसी को चुनना नहीं है तो इसका तरीका क्या ये होगा कि अगर आपका सवाल का जवाब यस हो तो आपने खड़े हो जाना और अगर आपके सवाल का जवाब नो हो तो आप बैठे रहें ठीक है नहीं तो सबसे पहला सवाल ये है जो अभी मैंने शायद किया भी था कि आप मुझे मिलकर सपोर्ट करेंगे आप तरीके का समझ नहीं आए कुछ पीछे लोग हैं वो नहीं कर रहे स्पोर्ट अच्छा जी थैंक यू हाँ बार बार उठने में मसला है दादा चलिए फिर आप यू कर सकते हैं ठीक है अच्छा सेकंड मेरा क्वेश्चन आपसे है आपको मुझे मिलकर कोई ट्रीट शीट देखना चाहते हैं ना मैं बड़ी दूर से आया हूँ नाश्ता भी नहीं किया मैंने जाकर दूर से अच्छा आपको चॉकलेट पसंद है सही ठीक है आप उसे किसी के साथ ऐसा हुआ है कि नहाने गए हो वॉशरूम में और बॉटल जो है शैम्पू की वो खत्म हो गई है पानी छानी डाले उसमें के लाके देते सब कहा मेरे जैसा ही है स्टार्ट करते हैं मेरे टॉपिक से जो मेरा टॉपिक है बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किसी को मुझे बता सकता है व्हाट इज टीम एनीबॉडी व्हाट इज टीम हमारी ब्याह हो गई दो चार बंदे हमने इकट्ठे कर लिए अब टीम वर्क की बात आ रही है
तो तीन मत क्या है जो बता सकता है? तीन मत कलेक्टिव एफर्ट्स, ठीक है, एनीबॉडी एल्स, ठीक है, एक ही काम डिफरेंट लोग मिलकर सर अंजाम दे रहे हैं तो वो भी टीम वर्क है। क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई जब लोग मिलकर एक ही गोल के लिए जब काम कर रहे हैं तो वो भी टीम वर्क है? ठीक है, तो मौजूदा दौर में हम क्या कह सकते हैं कि टीम वर्क की कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है किसी भी हवाले से, चाहे हम क्रिकेट खेल रहे हों, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हों, किसी इंस्टीट्यूट में हों, तो टीम वर्क की इम्पोर्टेंस है? हर टीम बिल्कुल ठीक है। अब टीम वर्क की जब एफर्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते तो यहाँ पर टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को समझने के हवाले से है। अगर मैं आपसे छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँ, दो लोग हैं जो एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, उनमें से एक अपनी सारी कमाई अपने घर वालों को दे देता है और एक बंदा है जिसका गुजारा ही नहीं हो रहा, तो वो बड़ा परेशान है, उससे पूछता है कि यार मेरा तो इस कमाई में गुजारा नहीं होता और तुम अपनी सारी कमाई घर भेज देते हो, ये कैसे है? तो उसने कहा कि यार बात यह है कि मैं पार्ट टाइम एक काम करता हूँ, अपना आईडी कार्ड वगैरह रखवा कर वहाँ से कुछ खिलौने ले लेता हूँ और उनको सेल कर देता हूँ, तो उससे जो मेरी इनकम होती है तो बेसिकली उससे मैं अपना गुजारा करता हूँ और जो मेरी पेट्रोल पंप की कमाई है उससे मैं घर वालों को देता हूँ। दूसरे बंदे को बात लगी, यार बंदे का नाम है कि भाई डबल डबल काम कर रहा है। अब उस बंदी को जो बात जहन में लगी वो ये नहीं थी कि वो इंडिविजुअली अब सिर्फ अपने लिए काम करे, उसको यहाँ पर समझ आई इम्पोर्टेंस ऑफ टीम। उसने बिल्कुल वही काम किया जो वो पहले बंदा कर रहा था, उसने भी खिलौने लिए, अपना कीमती सामान रखवा कर, अपनी कुछ चीज़ें रखवा कर, लेकिन 20 बंदों को भी साथ इकट्ठा कर लिया क्योंकि आप 20 लोगों ने मिलकर जो है ये खिलौने बेचने हैं और इसकी कमाई से हम जो आगे चलेंगे इसको ले जाए। क्या आप जानते हैं कि वो शख्स डेट नाम और बहुत हो गए हैं, लेकिन वो छः गाँव रिलायंस जानते हैं? कभी नाम सुना है रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से? इंडिया की एक कंपनी, वो किसकी थी? मैंने कहा वो सभी 19 नाम के डेट हुई है, भाई हीरो भाई अंबानी, तो वहाँ से उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था खिलौने बेचने से, लेकिन उनको जो बात लगी थी वो टीम वर्क था। यानी इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क आपको यहाँ से यहाँ ले जाती है। अब यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क की बात हम करते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस हो क्या सकती है? बताना चाहेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क जो है वो है क्या, इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं या क्या पॉइंट हो सकते हैं? और कोई ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टीम वर्क में आप टास्क जो है वो डिवाइड कर देते हैं, आपके सक्सेस के चांसेस डबल हो जाते हैं एज ए इंडिविजुअल, कैसा है? अच्छा, मेरे पास जो है वो तकरीबन 4 पॉइंट्स हैं इस हवाले से जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क के हवाले से। जो उसका पहला पॉइंट है इनोवेट फास्टर, क्या हो सकता है एज ए टीम और एज इंडिविजुअल अगर आप किसी चीज़ को इनोवेट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को नया बनाना चाहते हैं, कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं, तो वो एज ए इंडिविजुअल आप जल्दी कर सकते हैं या एज ए टीम? एज ए टीम, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं इनोवेट फास्टर। अच्छा, हम मोबाइल में ध्यान में आ सकते हैं
सब यूज करते हैं। आज से अगर हम 10 से 15 साल पहले चले जाएं तो कौन सा मोबाइल यूज होता था, किसी से भी पूछें थे आपके पास कौन सा मोबाइल है, कौन सी कंपनी होती थी, नोकिया। आजकल कहीं नजर आती है, कितनी कितनी नजर आती है, बिल्कुल ऐसे है। अब क्या वजह थी, हालांकि जो कंपनी इतने अरसे से चली आ रही है वो एकदम से बंद हो गई है। अब उसके मुकाबले में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत सी नई चीजें उन्होंने बिल्ड कर दी, उनका जो टीम वर्क है वो पहले से ज्यादा बेटर है। तो अब आप यानी कि अगर कुछ अर्सा पहले देखते हैं आपके पास सिर्फ एक मोबाइल कंपनी है, अब आप यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं अगर किसी से भी पूछें तो तकरीबन सबके मोबाइल कंपनी चेंज है। यानी कि इतनी सारी जो है कंपनीज आ गई हैं, उन्होंने इनोवेशन दिए हैं मार्केट में, इनोवेट की हैं चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप पुराने मॉडल में देखते हैं तो हम नहीं होते, हम नए मोबाइल की तरफ चले जाते हैं, बेशक हमारी वो कंपनी फर्स्ट टाइम हो, लेकिन उसमें जो इनोवेशन जो उसमें जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी होती हैं कि हम उसकी तरफ चले जाते हैं। अच्छा जी, अब सेकेंड जो चीज़ है उसमें वो आपकी है प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी। ऐसा है कि आपकी इनोवेशन अच्छी हो तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई होती है या नहीं होती है? ठीक है, आप देखिए अगर आप इनोवेशन अच्छी दे रहे हैं तो उसके मुकाबले में जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। कोई मसला हो गया, टीम वर्क काम गया जी, टीम वर्क तो यही था कि आपने इनोवेट उसको फास्ट करना है, तेजी से करना है, अच्छा काम करना है और हाई प्रोडक्टिविटी देनी है। अब नहीं दे रहे प्रोडक्टिविटी, क्या करें जी, टीम वर्क कहाँ गया, खत्म, ये जारी है, टीम वर्क खत्म हो गया कि जारी है, आप बताएं जारी है। अच्छा, यहाँ पर भी आप टीम वर्क को ही ले रहे हैं, कैसे? इंडिविजुअल टीम के किस्मत अगर जाएगा रिसर्च करने तो जाहिर है कि वो टाइम लगाएगा ही ना। तो यहाँ पर भी आपकी टीम ही है, जो चीज़ें पॉजिटिव कर रही थी अगर नेगेटिव हो गई चीज़ें तो उसको भी आपकी टीम ही देखेगी और एज ए टीम ही उसको लेकर चलेगी। अच्छा, अगर वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उसने देख लिया है तो अब बेटर सोल्यूशन आपको कौन दे सकता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी एक टीम या एक इंडिविजुअल? एग्जैक्टली टीम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो इम्पोर्टेंस बात है, अगर हम जहाँ मोबाइल की बात कर रहे हैं तो स्टीव जॉब से सारा दूसरे का उसको टच नहीं करना चाहिए। आप लोग ने दो बंदों को इकट्ठा खड़ा करना है, आप वो किस तरह इकट्ठा खड़ा करते हैं ये आपके ऊपर है, आपने उनके ऊपर अंदर जिस तरह से आप दो बंदे हैं आप जॉब अब ये एक बंदे हैं आप देखा हुआ है, ठीक है, नहीं दो मिल के आप वगैरह भी करेंगे, दो ने एक काम उसको संभालना है, आप अकेले में नहीं, आप करें, ठीक है। अब ये एक पेपर आपने पकड़ा हुआ है, अब दूसरा पेपर आपने चिपकाना है लेकिन वो इसको टच नहीं होगा, ठीक है जी, और दीवार के साथ भी टच ना होगा, ठीक है जी। ये 15 कागज इनके पास हैं और 15 कागज इनके पास हैं। टाइम ड्यूरेशन जो मुझे मिला वैसे 5 मिनट है, आपके पास भी नहीं, ठीक है जी। हाँ जी, जितने आप ज्यादा, हाँ जी, लेकिन आपस में टच ना हो, ठीक है जी। दो बंदे खड़े होंगे और दो बंदे कागज चिपकाएंगे उन दो के दरमियान, ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ आप दिल करता है, स्टार्ट कर। आप
स्पीकर को टच नहीं होगा, ठीक है? नहीं कोर्ट में नहीं आना ऐसे ही सीधा। तुम लोग बाहर से करके आ जाओ, पेपर टच हो रहा है दूसरे पेपर को। लेकिन ये कितनी जल्दी इनोवेट कर रहे हैं चीजों को। यार थोड़ा सा हम एक पेपर मुंह भी ले सकते हैं, थोड़ा शेयर कर। हाँ मतलब इट्स एन आइडिया। वो देखिए उन्होंने हमारा आइडिया बंद पिन किया, वो देखिए काफी हो गया सत्तर रख देना काम के साथ सत्तर बताइए। आपने उसको देखा, मैंने ये कहा था कि कॉलर में लगा बात से होगा दो मतों के साथ बड़ा जो है आपने इनके साथ चुका दिया। लेकिन ये बड़ा ही छोटा सा टास्क था, चार चार बच्चों की टीम का, लेकिन उन्होंने खुद से उसको इनोवेट किया है कि भाई अपने टीम पर कैसे करना है, दो बच्चों ने कैसे खड़े होना है, दो बच्चों ने क्या काम करना है। तो मेरे ख्याल में आज के जो हमारी लाइफ चल रही है उसमें टीम वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहते हैं कि इंडिविजुअल वर्क इज इम्पोर्टेंट बट इट्स द टीम वर्क दैट मेक्स द ड्रीम वर्क। थैंक यू वेरी मच।